हेलो एवरीवन, दिस इज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन टू डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स डेट रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ सम सिचुएशंस और वेरिएबल्स। तो डेटा क्या है? कलेक्शन है करेक्टर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का, जिसकी हेल्प से आप वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी सिचुएशन की वैल्यूज को, किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो क्या है? डेटा है। आपका असाइनमेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, आपका नोटबुक चेकिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो सब क्या है? डेटा है, राइट। वेरिएबल की बात करें तो जैसे यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, ए की मैंने वैल्यू दे दी 2, राइट। तो ये क्या है? एक मेरा डेटा है, राइट। डेटा इज प्लूरल, डेटा जो वर्ड है वो प्लूरल है, राइट। सिंगुलर ऑफ द वर्ड डेटा इज डेटम, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? डेटम है। तो बहुत सारे डेटा के लिए जो मल्टीपल वैल्यूज होती है उनके लिए डेटा वर्ड यूज होता है, और जो सिंगल होता है वैल्यू, एक भी सिंगल वैल्यू होती है, उसके लिए डेटम वर्ड यूज होता है, ओके। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल एसेट्रा, डेटा आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। अब हम क्या करते हैं, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। आप कंप्यूटर्स में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेव करते हो, मोबाइल्स में करते हो, बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग बिकम्स फास्टर एंड ईजियर एज कम्पेयर टू द मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग डन बाय द पीपल। तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को बेसिकली कहाँ स्टोर करते हैं? कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है और ईजी है एज कम्पेयर टू द मैनुअल डेटा। अगर आप मैनुअली उसको कर रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। अगर डेटा का साइज क्या है, बिग है, डेटा बहुत लार्ज है, राइट। अगर स्मॉल डेटा है तो आप मैनुअली उसे कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो, किसी कॉपी में मेंटेन कर सकते हो, रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हो। बट अगर इफ योर डेटा इज वेरी लार्ज, तो उसको मैनुअली मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर करके रखते हैं, ओके। मेनी अ टाइम पीपल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा और इंफॉर्मेशन। और डेटा का क्या यूज है, इसकी हेल्प से लोग डिसीजंस मेकिंग करते हैं, इसकी हेल्प से लोग डिसीजन लेते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वाइल चूजिंग अ कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशन, वन लुक्स एट प्लेसमेंट डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ डेट कॉलेज। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप देखोगे कि इस कॉलेज में से कितनी प्लेसमेंट होती है और कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में उसकी प्लेसमेंट जाती है। अगर कॉलेज अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, तो आप क्या करोगे, आप उस कॉलेज को चूज करोगे, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, जो वहाँ पे फैकल्टी है, ओके, जो वहाँ पे टीचर्स हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब भी आप नोटिस करोगे। लेबोरेटरी एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़, वहाँ की जो लैब्स हैं वो अच्छी हैं या नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ओके। सो वी कैन से डेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉलेज इज बेस्ड ऑन वेरियस डेटा एंड देयर एनालिसिस। तो यहाँ पे आप कॉलेज का डिसीजन किसकी बेसिस पे ले रहे हो, आप डेटा के बेसिस पे कर ले रहे हो। आप डेटा को कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, और उसके बेसिस पे आप कॉलेज को चूज करोगे। तो डेटा किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ओके। Now we have some examples of data. The following list contains some examples of the data that we often come across. तो यहाँ पे data के कुछ example हैं, like name, age, gender, contact details of a person, ठीक है, transactions data generated through the banking, transaction का data जो आप banking करते हो उसका data, ticketing, आप tickets जो buy करते हो, sale करते हो, shopping का data, whether online or offline, okay, images, graphics, animation, audio, video, ये सब क्या है, ये है data, right? ओके, डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस, ऑनलाइन पोस्ट, जो भी आप ऑनलाइन पोस्ट करते हो, कमेंट्स करते हो, मैसेजेस, ये भी कहीं ना कहीं जाके रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, डेटा है। सिग्नल्स जनरेटेड बाय सेंसर्स, सेटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग द मेट्रोलॉजिकल डेटा। मेट्रोलॉजिकल डेटा कौन सा होता है, जो आपको वेदर फोरकास्टिंग बताता है, राइट। कम्युनिकेशन डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एसेट्रा, राइट। कम्युनिकेशन, जो भी आप फोन के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, वो डेटा, राइट। जो सेटेलाइट अर्थ का कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करती है, वो डेटा। तो दिस इज व्हाट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डेटा, राइट। Now we have importance of data. Human beings rely on the data for making decisions. Human being data पर rely करते हैं, data पर विश्वास करते हैं decision making के लिए, okay. Given below are some examples. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ examples है। When one withdraws money from the ATM, जब कोई ATM से money withdraw करता है, निकालता है, the bank needs to debit the withdrawn amount from the linked account. तो यहाँ पर bank क्या करता है, जो भी linked account है उससे उतनी money को cut कर देता है, right? उतनी debit कर देता है। So the bank needs
नीड्स टू मेंटेन द डेटा, और ऐसा बैंक कैसे कर सकता है जब वो अब कंप्लीट डेटा मेंटेन करके रखता है उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर लिंक्ड अकाउंट का, राइट? तो वहाँ पे क्या करेगा वो, जो पर्टिकुलर जिसको प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर विड्रॉ हुआ है मनी तो अमाउंट कट हो जाए, अगर यहाँ पे वो सबमिट करा रहा है मनी तो उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऐड हो जाए, राइट? तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, डेटा को मेंटेन कर रहा है एंड अपडेट इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जैसे जैसे जो जो प्रोसीजर होता है विड्रॉ का होता है या फिर अमाउंट सबमिशन का होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो अपडेट कर देता है अकाउंट को. ओके, वेदर अलर्ट्स आर जनरेटेड बाय एनालाइजिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस सैटेलाइट्स. तो वेदर अलर्ट्स किए जाते हैं किसके बेसिस पे, डेटा को एनालाइज करने के बाद जो कहाँ से मिले हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू मिले हैं, राइट? उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाता है कि कहीं पे कुछ अगर बहुत हैवी स्टॉर्म आने वाला है या कहीं पे रेन होने वाली, ये सब किसके बाद आपको मिलती है, जो अलर्ट्स आपके पास आते हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं, डेटा की हेल्प से आते हैं, वो डेटा जो सैटेलाइट्स के थ्रू आपने रिसीव किया है. ओके, द सर्च इंजन give us results after analyzing large volume of data available on the website across world wide web. अब मान लो आप क्या करते हो, आप गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, वहां पे जाके आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो वो जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है, वो क्या करेगा, आपके पास रिजल्ट आएगा आफ्टर एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. आपका रिजल्ट लाने के लिए जो भी आपको पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब डॉक्यूमेंट चाहिए, वो रिजल्ट लाने के लिए वो क्या करेगा, इतना जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसके पास है उसको एनालाइज करेगा, उसमें से फाइंड आउट करेगा जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, राइट? और वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपके पास वो शो करेगा, राइट? ओके, साइंटिस्ट रिकॉर्ड डेटा वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू कैलकुलेट एंड कंपेयर रिजल्ट्स. साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके, जिससे कि वो कैलकुलेट कर सकें और कंपेयर कर सकें रिजल्ट्स को. ओके, कंपनीज आइडेंटिफाई कस्टमर डिमांड्स एज वेल एज फीडबैक्स. कंपनीज आइडेंटिफाई करती हैं कस्टमर की क्या डिमांड है, उसका फीडबैक क्या है, बाय एनालाइजिंग द मार्केट बिहेवियर. मार्केट बिहेवियर को एनालाइज करके कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, एंड मेक चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट्स, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करती है, अपनी सर्विस में चेंज करती है. तो यहाँ पे क्या है, कंपनीज जो वर्क कर रही हैं, जो आइडेंटिफाई कर रही है कि कस्टमर डिमांड्स क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर रही है, वो मार्केट से मार्केट बिहेवियर को उठा रही है, मतलब उसको वहां से वो डेटा ले रही है और उसको एनालाइज कर रही है कि क्या प्रोडक्ट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा है, किसका नहीं है. ओके, नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ डेटा. एज डेटा कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दे कैन बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. अब हमें पता है कि डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है, तो किस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स में होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है. ओके, तो इसके बेसिस पे डेटा को टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, एन इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल. अब इमेज क्या है, इमेज भी एक डेटा है और वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है, राइट? अ वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स, वीडियो फ्रेम्स से बनती है. अ फी स्लिप इज मेड अप ऑफ फ्यू न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक एंट्रीज. अगर आप फी स्लिप की बात लोगे तो उसके अंदर न्यूमरिक एंट्रीज भी होंगी, नंबर एंट्रीज भी होंगी और नॉन नंबर एंट्रीज भी होंगी, अल्फाबेट्स भी होंगे, लाइक नेम हो गया, एड्रेस हो गया. ओके, मैसेजेस एंड चैट्स आर मेड अप ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड चैट, जो आप चैट आपका डेटा होता है जिसमें आप बात करते हो. ओके, उसमें टेक्स्ट भी होता है, आइकन्स भी होते हैं. ओके, इमोटिकन्स भी होते हैं. ओके, एंड इमेजेस भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं. तो अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, सो फर्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा है जो ऑर्गेनाइज्ड है, एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में है. ओके, उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है. स्ट्रक्चर्ड डेटा इज यूजली स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स इन टेबुलर फॉर्मेट. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा कंप्यूटर में मोस्टली टेबुलर रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है. टेबल 7.1 शो स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेटेड टू एन इन्वेंट्री ऑफ किचन आइटम्स मेंटेन्ड बाय अ शॉप. तो यहाँ पे देखो एक टेबल दी गई है किचन आइटम्स की, और यहाँ पे देखो कितने अच्छे फॉर्मेट में इसको दिया गया है, और इसको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में दिया गया है. यहाँ पे आपका मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, उसका प्राइस है, डिस्काउंट है, एंड आइटम्स इन्वेंट्री में कितने आइटम्स है ये दिया गया है, राइट? सो दिस डेटा इज स्ट्रक्चर्ड डेटा. नेक्स्ट वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है, द डेटा विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. वो डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है एंड इज नॉट इन वेल डिफाइंड फॉर्मेट, और उसका कोई वेल डिफाइंड फॉर्मेट भी नहीं है, उसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है.
डेटा विच इज नॉट इन द ट्रेडिशनल रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और ये टेबुलर फॉर्म में नहीं होता. ओके, जैसे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ये टेबुलर फॉर्म में नहीं होता. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, अ न्यूज़पेपर कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज आइटम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा. अब न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है. ओके, बट देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न दैट अ न्यूज़पेपर फॉलोज इन प्लेसिंग न्यूज़ आर्टिकल. तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि न्यूज़पेपर इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा अपने आर्टिकल्स को उसमें डालने के लिए, मतलब न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स को पेश करने के लिए. ओके, कोई भी आर्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी आपका जो एड है वो कहीं पे भी हो सकता है न्यूज़पेपर के अंदर. ओके, वन डे देयर माइट बी 3 इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन अ पेज अलॉन्ग विद 5 न्यूज आइटम. एक दिन क्या हो सकता है कि आपके 3 इमेजेस हो सकते हैं एक पेज पे और 5 न्यूज हो सकती हैं, एंड वन और मोर एडवर्टाइजमेंट, और एक या एक से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं. वाइल ऑन अनदर डे देयर माइट बी 1 बिग इमेज विद 3 टेक्सुअल न्यूज आइटम्स. तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, एक बिग इमेज हो सकती है और आपके पास 3 टेक्स्ट इमेज न्यूज़ हो सकती है. ओके, सो देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट नॉर एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर फॉर प्रिंटिंग न्यूज़. तो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जा रहा है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो ये डेटा तो है, पर कैसा डेटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड, तो कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे. वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट एज वेल एज मल्टीमीडिया कंटेंट्स. वेब पेजेस होते हैं जहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे टेक्स्ट आएगा, कहाँ पे आपका मल्टीमीडिया कंटेंट आएगा, लाइक इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो. ओके, अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, बुक्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस एक्सेट्रा. तो ये जो जितना भी डेटा है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है. ओके, नाउ वी हैव द डेटा कलेक्शन. ओके, फॉर प्रोसेसिंग डेटा वी नीड टू कलेक्ट और गैदर डेटा फर्स्ट. अगर आपको डेटा की प्रोसेसिंग करनी है, डेटा को एनालाइज करना है, तो सबसे पहला जो काम है वो आप क्या करोगे, आप डेटा को कलेक्ट करोगे. ओके, वी कैन देन स्टोर द डेटा इन अ फाइल और डेटा बेस फॉर लेटर यूज. ओके, सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे, उस डेटा को गैदर करोगे, फिर आप उसको स्टोर करोगे किसी भी फाइल में या डेटा बेस में, जिससे आप उसको बाद में यूज कर सकें. डेटा कलेक्शन हेयर मीन्स आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा और कलेक्टिंग फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सोर्सेज. तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन का मतलब है डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसको पहचानना, या फिर डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना अप्रोप्रिएट सोर्सेज से. ओके, जो डेटा के सोर्स हैं वहाँ से डेटा को कलेक्ट करना. डेटा आर कॉन्टीन्यूअसली बींग जनरेटेड एट डिफरेंट सोर्सेज. डेटा क्या होता है, कॉन्टीन्यूअसली जनरेट होता रहता है अलग अलग सोर्सेज की हेल्प से. आर इंटरेक्शन विद द डिजिटल मीडियम आर कॉन्टीन्यूअसली जनरेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द डेटा. अब आप देखो, आप क्या करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स यूज करते हो, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हो. राइट, आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हो. ओके, आप मैसेजेस सेंड कर रहे हो, आप फोटोज पोस्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, यहाँ पे आप डेटा को जनरेट कर रहे हो. फाइन, हॉस्पिटल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट द पेशेंट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर सर्विसेज. हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं. ओके, उनका फीडबैक भी लेते हैं जिससे कि वो अपनी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट ला सकें. शॉपिंग मॉल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट द आइटम्स बींग परचेज बाय द पीपल. शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं जो भी आइटम्स उनके परचेज हुए हैं. ऑन एनालाइजिंग सच डेटा सपोज इट अपीयर्स दैट द बेड शीट्स एंड ग्रॉसरीज आर फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर. अब इस डेटा के बेसिस पे वो क्या करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं. क्या एनालाइज करते हैं, मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने पाया कि बेड शीट्स और ग्रॉसरीज एक साथ वो बाय की जाती हैं. ओके, हैंस द शॉप ओनर में डिसाइड टू डिस्प्ले बेड शीट्स नियर द ग्रॉसरी सेक्शन. तो यहाँ पे शॉप ओनर क्या डिसाइड करेगा, एनालाइज करने के बाद क्या वो ये डिसाइड करेगा, जो बेड शीट्स हैं उनको ग्रॉसरी सेक्शन के पास ही वो डिस्प्ले करा देगा, जिससे जो अगर लोग ग्रॉसरी लेने आ रहे हैं तो बेड शीट्स भी वो बाय करेंगे. ओके, इन द मॉल टू इंक्रीज द सेल्स. राइट, ओके, नाउ Likewise, a political analyst may look at the data contained in the post and messages at a social media platform and analyze to see public opinion before an election. अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो political analyst होते हैं, जो political news को analyze करते हैं, वो क्या करेंगे, वो data contain करेंगे कहाँ से, messages से, post से, social media interaction से, social media platform से. ओके, और इसको analyze करेंगे और देखेंगे कि public का क्या opinion है, मतलब public किसको लाना चाहती है इन सर्विस और किसको नहीं लाना चाहती है इलेक्शन से पहले.
ओके, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आर कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड टू वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर मेकिंग इकोनॉमिक फोरकास्ट। अब जो वर्ल्ड बैंक है आपका, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या करता है, अलग अलग कंट्री मतलब डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक पैरामीटर्स, उनका इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करके ही वो इकोनॉमिक फोरकास्ट करता है, राइट। Now we have data storage. सबसे ओके, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या क्या डेटा को कलेक्ट किया, अब हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, राइट। डेटा स्टोरेज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेज सो दैट डेटा कैन बी रिट्राइव लेटर। तो डेटा स्टोरेज एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, जिससे कि हम डेटा को बाद में यूज कर सकें, रिट्राइव कर सकें। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। तो मार्केट में बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लाइक हार्ड डिस्क, ओके, आपका ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD, DVD, टेप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। तो दीज आर द डिवाइसेस जिसके अंदर आप अपना डिजिटल डेटा स्टोर कर सकते हैं। We store data like images, documents, audio, video, etc. as files in our computer. हम अपने कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर करते हैं images की फॉर्म में, documents की फॉर्म में, audio, videos की फॉर्म में, right? Likewise, school, hospital data stored in the data file. School का data, hospital का data files की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। We use computers to add, modify or delete data in these files. हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं डेटा को ऐड करने के लिए, डेटा में चेंजेस करने के लिए, मॉडिफाई क्या होता है, चेंज करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, ओके, और प्रोसेस दीज डेटा फाइल्स टू गेट रिजल्ट, या फिर इन डेटा फाइल्स की प्रोसेसिंग करके रिजल्ट लेने के लिए, फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, देन आपने डेटा स्टोर किया, अब हम क्या करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग डेटा एज दे होल्ड वैल्यूएबल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि डेटा क्या करता है, वैल्यूएबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। इट कैन बी यूजफुल इन आर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और वो वैल्यूएबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन लेने के लिए, राइट। However, by looking at the vast or large amount of data, one cannot arrive at a conclusion. अगर आप huge amount of data को देखते हो, vast data को देखते हो, तो आप किसी conclusion पर नहीं आ सकते, right? Rather, data need to be processed to get the result. तो यहाँ पर data को process होने की जरूरत है, जो और आपके पास क्या आना चाहिए, result आना चाहिए, and after analyzing those result, we can make conclusion or decision. और result, जो result आपके पास आया है, उस result को analyze करके ही आप कोई conclusion ले सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो, ओके। सो हियर वी हैव द स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपके पास देखो रॉ डेटा है, नंबर है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, आपने उसको प्रोसेस किया, डेटा प्रोसेस किया, ओके, आपने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को स्टोर किया, अब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो व्हाट यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, आपको उस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट और टेक्स्ट, टेबल की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में और टेक्स्ट की फॉर्म में। देखो टेबल को समझना बहुत ईजी है, ओके, चार्ट को, चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उससे क्या है, आप इजिली डेटा को समझ सकते हैं, या टेक्स्ट की फॉर्म में आप डेटा को समझ सकते हैं, तो आपके पास डेटा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल है, आपने इनपुट दिया, ओके, आपने डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा एंट्री, डेटा को, डेटा एंट्री की, डेटा जो कलेक्ट किया है वो आपने इनपुट किया, ओके, राइट। नाउ अब क्या होगा, डेटा का प्रोसेसिंग होगा, आपके डेटा को स्टोर किया जाएगा, रिट्राइव किया जाएगा, रिट्राइव मतलब उसको लिया जाएगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, डेटा को अपडेट किया जाएगा, ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जाएगी, ओके, तो उसके प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आउटपुट आएगा, किस फॉर्म में आएगा, रिपोर्ट्स की फॉर्म में आएगा, रिजल्ट की फॉर्म में आएगा और प्रोसेसिंग सिस्टम की फॉर्म में आएगा, ओके, एंड दैट आउटपुट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और यू कैन से दिस इज अंडरस्टैंडेबल, राइट। आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को नहीं समझ सकते, लेकिन आप रिजल्ट को समझ सकते हो, आप रिपोर्ट्स को समझ सकते हो, ओके, आप चार्ट्स को समझ सकते हो, टेबल को समझ सकते हो, राइट।
Now we have statistical techniques for data processing. There are various techniques which help us to process data to get information. तो बहुत सारी techniques हैं जिसकी help से data को process किया जा सकता है और information ली जा सकती है. Commonly used statistical techniques used for the data summarization are given below. तो commonly used statistical techniques दी गई हैं यहाँ पर. सबसे पहले आपका है measures for central tendency. A measure of central tendency is a single value that give us some idea about the data. तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करके एक वैल्यू निकाली जाती है जिससे आपका कंप्लीट डेटा से जितनी भी वैल्यूज हैं उनका एक आपको आइडिया मिल जाता है. राइट, सी मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द मीन, मीडियन एंड मोड. तो जो सिंगल वैल्यू निकाली जाती है वो क्या है, मीन है, मीडियन है एंड मोड है, जिसकी हेल्प से आप कंप्लीट डेटा सेट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं. राइट, नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ द वैल्यूज अराउंड द मीन. तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया जाता है, यहाँ पे वेरिएशन फाइंड आउट की जाती है कि जो वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना एक दूसरे से अलग स्प्रेड हैं, मतलब एक दूसरे से कितना वो वेरी करती हैं, एक दूसरे से कितना डिफरेंट हैं. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन डैट इंडिकेट द डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इन अ डेटा सेट. तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया जा रहा है, यहाँ पे मेजर किया जा रहा है डाइवर्सिटी को कि डेटा सेट की जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितना अलग हैं. राइट, ओके, द कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी आर रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये रेंज आप निकालोगे डेटा सेट की, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितना वेरी करती हैं, एक दूसरे से कितना डिफरेंशिएट करती हैं. ओके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. The मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द मीन, मीडियन एंड मोड. तो आप सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, सो फर्स्ट वी हैव द मीन. मीन इज सिंपली द एवरेज ऑफ न्यूमरिक वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट और वेरिएबल. तो यहाँ पे मीन क्या है, एवरेज निकालना है न्यूमरिक वैल्यूज का. राइट, किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी वेरिएबल की जो भी न्यूमरिक वैल्यूज हैं, डेटा सेट है, उसका एवरेज निकालना. मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज. मीन को एवरेज भी कहा जाता है. सपोज देयर आर डेटा ऑन वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास. मान लो आपके पास डेटा है वेट का 40 स्टूडेंट का. राइट, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ईच ऑफ द डेटा वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द एवरेज टू गेट एन आइडिया अबाउट द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. तो यहाँ पे क्या है, एक एक बच्चे का वेट आप देखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, जो फुल क्लास है 40 स्टूडेंट की क्लास है उसका एवरेज वेट निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एवरेज वेट क्या है क्लास का. राइट, ओके, ओके, तो हियर हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, एवरेज निकालने का, वो क्या है, गिवन एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़. आपके पास एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है तो मीन आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपके पास है सिग्मा. सिग्मा का क्या मीनिंग होता है, सिग्मा का मीनिंग होता है टू एड अप. ओके, सिग्मा एक्स आई, तो जितने भी आपके वैल्यूज़ हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स आई, वो आप उनका समेशन मतलब एडिशन. ओके, एंड डिवाइडेड बाय एन. एन क्या है, नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़ इन अ गिवन डेटा सेट. राइट, ओके, अब देखो एग्जांपल देखो. एज्यूम डेट हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर एज फॉलोज. हाइट दी गई है सेंटीमीटर्स में आपके पास. ओके, मीन और एवरेज हाइट ऑफ द क्लास इज. तो यहाँ पे अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, पहले सम अप करोगे वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं. तो यहाँ पे हमारे पास हाइट्स हैं, उनको आपने क्या किया, सम किया, उनका एडिशन किया. ओके, और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़. तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 9 है. राइट, ओके, सो हेयर वी हैव गॉट द रिजल्ट. तो आपका 101.33 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया है. राइट, ओके, नेक्स्ट वी हैव द मीडियन. When all the values of an attribute or variable are sorted in ascending or descending order, the middle value is called the median. जब आपकी जो आपके पास डेटा सेट है उसकी वैल्यूज sorted है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप मिडल वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो उस पर्टिकुलर डेटा सेट की, तो उसे मीडियन कहा जाता है, मिडल वैल्यू को. ओके, वेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, जब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, देन मीडियन इज द वैल्यू एट द मिडल पोजिशन. ओके, तो जो मीडियन है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो मिडिल पोजीशन पे एलिमेंट होता है वही इस पर्टिकुलर डेटा सेट का मीडियन माना जाएगा. जैसे हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50. कितनी वैल्यूज है, 5 है. 5 क्या एक ऑड नंबर है,
ओके तो इसके अंदर हम मिडल वैल्यू कौन सी है 30, तो यहाँ पे जो आपका 30 है वो क्या है, इस पर्टिकुलर डेटा सेट का मीडियन है। दिस इज ऑड नंबर लिस्ट सो द मीडियन इज 30। ठीक है, ऑड नंबर में आप कैसे निकालते हो मीडियन, व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ वैल्यू देन मीडियन इज द वैल्यू एट द मिडल पोजिशन, जो मिडल पोजिशन पे वैल्यू है वही इस पर्टिकुलर डेटा सेट का मीडियन है। ओके इफ़ द लिस्ट हैज़ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर आपकी लिस्ट में इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, दो मिडल वैल्यूज का एवरेज निकाल के। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, ओके लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी दो मिडल वैल्यूज क्या है, 30 एंड 40। दिस इज इवन नंबर लिस्ट सो द मीडियन इज 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, ओके 35। तो आपका मीडियन इस पर्टिकुलर लिस्ट का क्या निकल के आया, 35। ओके मीडियन रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू एट विच द गिवन डेटा इज इक्वली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मीडियन वो सेंट्रल वैल्यू है जहाँ पे जो गिवन डेटा सेट है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। राइट तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, एज्यूम डेट द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज फॉलोज। ओके तो ये हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल है, इसके अंदर अगेन हम हाइट्स ले रहे हैं। ओके इन ऑर्डर टू कम्प्यूट द मीडियन द फर्स्ट स्टेप इज टू शॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप डेटा को शॉर्ट करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वी हैव शॉर्टेड द हाइट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर दिया गया है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा एंड इन द एंड सबसे बड़ा। ठीक है, As there are total 9 values, the median, अब यहाँ पे क्या odd number है क्योंकि 9 values हैं, the median is the value at the position 5, तो यहाँ पे जो median है वो center value को माना जाएगा, तो यहाँ पे 102 जो centimeter है वो इस particular data set की median value है, whether counted from the left to right or from the right to left, चाहे आप इसको left to right count करो या चाहे आप इसको left to right count करो या right to left count करो, यहाँ पे median क्या है 102। मीडियन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल सेंट्रल वैल्यू एट विच द गिवन डेटा सेट इज इक्वली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, तो मीडियन एक सेंट्रल वैल्यू है जहां पर डेटा इक्वली डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। ओके नेक्स्ट वी हैव मोड, वैल्यू डेट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा ऑफ एन एट्रीब्यूट और वेरिएबल इज कॉल्ड मोड, किसी भी एट्रीब्यूट के डेटा सेट में या वेरिएबल के डेटा वैल्यूज में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स अकर होती है, जब सबसे मतलब मल्टीपल्स टाइम्स जो वैल्यू आती है उसको मोड कहा जाता है। राइट जो वैल्यू रिपीट होती है उसको मोड कहा जाता है। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन द गिवन डेटा। राइट तो इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है कि एक डेटा वैल्यू कितनी बार आई है, उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है अक्रेंस की। ओके हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अपीयर्ड इन द डेटा सेट। राइट अ डेटा सेट हैज नो मोड इफ ईच वैल्यू अकर्स ओनली वंस, अगर किसी डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सिर्फ वन टाइम ही आती हैं, राइट वन टाइम ही अकर होती हैं, तो वो डेटा सेट में मोड नहीं होता। राइट इट हैज नो मोड, there may be multiple modes in the data if more than one values have same highest frequency, एक data set के अंदर multiple modes हो सकते हैं अगर multiple values बार बार repeat हो रही हैं। okay mode can be found for numeric as well as non-numeric data, mode को numeric data के लिए भी निकाला जा सकता है और non-numeric data के लिए भी निकाला जा सकता है। अगर numeric data means number data बार बार repeat हो रहा है तो वो उसका mode निकाला जा सकता है, और non-number data भी अगर बार बार रिपीट हो रहा है, मान लो स्ट्रिंग डेटा है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसका भी मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एज्यूम द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज फॉलोस, एक क्लास के अंदर हाइट्स दी गई हैं स्टूडेंट्स की। राइट इन द लिस्ट ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट मोड इज 110, अब मोड 110 क्यों है, देखो यहाँ पे ऑल दो जो वैल्यू है 110, यहाँ पे देखो 91 टाइम आया है एंड 2 टाइम्स आया है, 102 आपका आया है 1 टाइम। ओके 110 1 टाइम हो गया एंड 110 2 टाइम हो गया एंड 110 3 टाइम हो गया, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हुई है 110, तो इस जो डेटा सेट का मोड है वो क्या है 110। ओके ऑल दो देखो 90 भी रिपीट हुआ लेकिन 110 से लेस टाइम रिपीट हुआ है, 90 आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 110 आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके ओके अब यहाँ पे देखो, इन द लिस्ट ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट मोड इज 110 एज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस इन द लिस्ट इज 3 विच इज लार्जर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। ओके तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट का जो मोड है वो क्या है 110, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी वैल्यू हुई है 110। ओके
Now we have the measures of variability. Okay, अब मैंने आपको पहले बताया था variability में आप क्या measure करते हो कि एक particular data set में जो values हैं वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं, right? एक value बहुत छोटी है, एक value बहुत बड़ी है, तो ये क्या show करती है? ये values की variability को show करती है, okay? Now, common measures of dispersion or variability are range and standard deviation. तो हम इसको कैसे measure करेंगे? इसको हम measure करेंगे with the help of range and standard deviation. So, first we have the range. It is the difference between the maximum and minimum values of the data. Okay, तो range कैसे निकाली जाती है? जो आपके data set की maximum value है और minimum value है, उनका difference. Okay, the largest value minus the smallest value. जो सबसे बड़ी value है, उसमें से सबसे छोटी value को minus किया जाता है. Range can be calculated only for numerical data. Range को सिर्फ numerical data के लिए use किया जाता है, right? Let m be the largest or maximum value. मान लो एक data set है, उसमें m largest value है. S is the smallest or minimum value. और S क्या है? आपकी smallest या minimum value है, okay? Then range is the difference between two extreme values. तो range को आप कैसे निकालोगे? Difference between the maximum value and the smallest value. उस particular data set की जो सबसे बड़ी value है, उसको आप minus करोगे सबसे छोटी value से, right? Maximum minus minimum. Now here we have the example. Assume that the height in centimeter of student in a class are as follows. Heights आपको दी गई हैं यहाँ पर, okay? In the above example, minimum height is 85, okay, आपकी जो minimum height है वो 85 है, and the maximum height value is 115, okay, तो range आप कैसे निकालोगे? Maximum height minus minimum height, तो ये आपका 30 centimeter range निकल के आ गई है, okay? Next we have standard deviation. Standard deviation refers to differences within the group or set of data of a variable. एक जो आपके पास किसी भी variable का या किसी भी group का data set है, okay? Values है, number of values है, उनकी उन values के बीच में क्या difference है? मतलब मान लो एक data set में कुछ values extreme large है, कुछ values extreme small है, तो ये difference कैसे निकाला जाएगा? With the help of standard deviation, okay? Like range, it also measures the spread of data. जैसे range में find out किया जाता था maximum value कहाँ पर है, मिनिमम वैल्यू कहां पर है, और उन दोनों का एक्सट्रीम जो डिफरेंस आता था वो इसमें मेजर किया जाता था, राइट? हाउएवर अनलाइक रेंज व्हिच ओनली यूजेस टू एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर्स ऑल द गिवन डेटा. रेंज में क्या करते हैं? हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, राइट? ओके, टू एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. बस स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में आप करोगे क्या करोगे? डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको कंसीडर करोगे वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? इट इज़ कैलकुलेटेड एज द पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वेयर डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा. अब आप इसको कैसे समझोगे? इसको आप समझोगे, इट इज़, देखो फिर से पढ़ो, इट इज़ कैलकुलेटेड एज द पॉजिटिव स्क्वेयर रूट. तो यहाँ पे हम स्क्वेयर रूट निकालेंगे, किसका निकालेंगे? ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वेयर डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा. मान लो आपके पास डेटा सेट है कोई भी, राइट? तो आपके आपका जो डेटा सेट है उसकी आप एक मीन वैल्यू निकाल लेंगे. आपने उसकी एक मीन वैल्यू निकाल ली, ओके, जिसको मैंने कंसीडर कर दिया एक्स बार, ठीक है? मीन वैल्यू निकाल ली, उसको मैंने कंसीडर कर दिया एक्स बार. तो अब मेरे डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, राइट? तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका मैं क्या करूँगी? डिफरेंस निकालूंगी वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, राइट? वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, ओके, वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, और अब इसका निकालेंगे स्क्वायर, ओके. फर्स्ट वैल्यू का हमने किया वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, उसका निकाल लिया स्क्वायर. अब इसको हम ऐड करेंगे सेकंड वैल्यू के साथ, वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, एक्स बार आपकी क्या है? मीन वैल्यू, एंड उसका आपने निकाल लिया स्क्वायर. ऐसे करके आप कहाँ तक जाएंगे? जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्स एन वैल्यूज़ हैं, ओके, एक्स एन वैल्यूज़ माइनस एक्स बार, ओके, एंड उसका स्क्वायर, राइट? तो जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ माइनस जो आपका एक्स बार है, एक्स बार आपका क्या है? मीन वैल्यू माइनस मीन ऑफ द डेटा सेट, राइट? ओके, ये जो आपके पास कंप्लीट आपके पास एक सम करके आ जाएगा, इसका एक कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, ओके. तो उस कंप्लीट रिजल्ट का आपको क्या करना है? आपको एवरेज निकालनी है, राइट? मान लो इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास आ जाता है ए आ जाता है, तो ए को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके डेटा सेट के अंदर. तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया, देखो
ये फाइंड आउट किया, देखो ये वाली चीज़ है, आपने क्या किया, जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज थी राइट, ये आपने सम निकाला एक्स आई की वैल्यू पहले वन थी तो आपका फर्स्ट वैल्यू आ गई, देन आई की वैल्यू टू, आपका सेकंड वैल्यू आ गई, एंड डिफरेंस निकाल के आपने क्या किया, उनको ऐड किया, सम किया है, देन आपने उनका एवरेज निकाल लिया। अब देखो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इसको बोलते हैं आप इसको आप बोलेंगे वेरियंस, ठीक है, इसको हम कहेंगे वेरियंस ऑफ द डेटा सेट राइट। अब हमारे पास वेरियंस निकल के आ गया, वेरियंस का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारे पास ये निकल के आया था ना एक्स, ये जो टोटल ये इसका जब आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स डेटा आर लेस स्प्रेड, अगर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रिजल्ट आता है, वैल्यू आती है, वो छोटी है, तो इसका मतलब जो वैल्यूज है वो लेस स्प्रेड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं है, ओके। वाइल अ लार्जर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स डेटा आर मोर स्प्रेड, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आता है तो इसका मतलब वैल्यूज ज़्यादा स्प्रेड है, मतलब एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, ओके। गिवन एन वैल्यूज, तो हमारे पास एन वैल्यूज हैं एक्स वन से लेकर एक्स एन तक, एंड देयर मीन, और उसका मीन है एक्स, द स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है, ओके। अब देखो ये तो मैंने आपको वैसे ही समझाया, इसको अब मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। देखो, लेट अस कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट डेट वी यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीन। तो हमारे पास देखो, ये हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था, इसमें हाइट है आपके पास 9 स्टूडेंट की, ओके, इसका हमने मीन निकाल लिया राइट, ओके। द मीन वॉज कैलकुलेटेड एज 101.33 सेंटीमीटर, मीन निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन, हमने क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है x1 x2 x3 जितनी वैल्यूज हैं उसको हमें सबट्रैक्ट करना है x बार से, x बार हमारा क्या है, मीन है, x बार आपका क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है। आपने क्या किया, सबट्रैक्ट किया जितनी वैल्यूज हैं उसको मीन वैल्यू से, ओके, एंड टेक स्क्वायर ऑफ डेट वैल्यू, उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आया उसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका आपने जब स्क्वायर किया, जब इस वैल्यू का आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपने देखो 8.67 का आप स्क्वायर करोगे तो 75.17 आएगा, तो ये जो वैल्यू निकल के आई, जो डिफरेंस निकल के आया वैल्यू का और मीन वैल्यू का, उसका आपने क्या कर दिया, उसका आपने कर दिया, देखो यहाँ पे मैं एक बार समझाती हूँ, इसका आपने कर दिया स्क्वायर, 8.67 का आपने कर दिया स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया, स्क्वायर का रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, ओके। फिर से देखो, सबट्रैक्ट ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन एंड टेक स्क्वायर ऑफ डेट वैल्यू, अब हमने क्या किया, इस जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर ले लिया, डिवाइडिंग द सम ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखो, अब जितनी भी ये आपका जो रिजल्ट आया था x माइनस एक्स बार स्क्वायर का, उन सबका आपने कर दिया सम, ठीक है, ये एक दूसरे में ऐड हो गई, तो जो आपका टोटल रिजल्ट आया सम करके वो आया 938, ओके, टोटल सम आ गया आपका 938। अब आपको क्या करना है, डिवाइडिंग द सम ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आपकी 9, ठीक है, ये आपका सम ऑफ वैल्यूज आ गया, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का, मतलब जितनी वैल्यूज है उनको आपने मीन से माइनस किया और रिजल्ट को आपने स्क्वायर कर दिया। This is your this formula, sum of the values of x minus x bar square, right? अब हमने क्या किया, आपने जो भी values आई थी उसको आपने divide कर दिया by the number of values, ये आपने average निकाल ली, ये complete किया आपका average, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका variance है, ठीक है, this is called your variance of data, ठीक है, variance, ठीक है, दिस इज़ योर वेरियंस ऑफ डेटा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो वेरियंस निकल के आया है वो आया है 104.22, ओके। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, एंड अब जो आपका वेरियंस आया है राइट, उस वेरियंस का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा, राइट, ओके। एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।